दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन। ये राम रेमी की कॉमिक्स है और ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शेरपीरा वैज्ञानिक। तो पहले आप इन दोनों पार्टों को पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वे दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, बाल एजेंट राम रेमी का फोल्डर है उसके अंदर। ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है ये पहले दो पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी और मैं आगे से पढ़ता हूँ। एजेंट जेड और सैनिकों ने राम रहीम को ले जाकर कैद खाने की उसी कोठरी में डाल दिया जिसमें पहले उन्हें रखा गया था। उनकी निगरानी के लिए दो पहरेदार रखे गए थे, जिनमें से एक हर समय द्वार पर ही डटा रहता था और दूसरा गैलरी में गश्त लगाता रहता था। द्वार पर डटे पहरेदार के पास ही उस कोठरी के ताले की चाबी थी। किसी चीज की जरूरत हो तो इन पहरेदारों से मांग लेना, लेकिन सावधान, किसी किस्म की चालाकी दिखाने का प्रयत्न न करना, वरना ये दोनों पहरेदार बहुत ही निर्मम और वैसी किस्म के इंसान है। हाथ पैर तोड़ने में जरा भी दया नहीं करेंगे। राम रहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद राम और रहीम खामोशी से अपने अपने पलंगों पर बैठे काफी देर तक कुछ सोचते रहे। फिर रहीम ही सर्वप्रथम व्याकुलता से बोला, राम भैया, मेरी समझ में तो यहां से निकलना कोई उपाय नहीं आ रहा है, और यदि हम जल्द से जल्द यहां से निकलने में सफल नहीं हो सके तो न प्रोफेसर शर्मा जिंदा बचेंगे न हमारा देश। लेकिन राम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूरा वह चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। यह देख रहीम बुरी तरह झुंझला उठा। भैया, क्या तुम इसी तरह देवदास की तरह मुंह लटकाए बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? कहीं तुम गूंगे और बहरे तो नहीं हो गए? शायद यदि मेरी मानो तो तुम भी कुछ देर के लिए गूंगे और बहरे हो जाओ, और गश्त लगा रहे पहरेदार को देखकर यह अंदाजा लगाओ कि वह इधर आने और दूसरी तरफ जाने में कितना समय लगाता है। क्या मतलब? मतलब यह छोटे भाई की इस बात पर नजर रखो कि वह दूसरा पहरेदार कितने सेकंड या मिनट के बाद हमारी कोठरी के सामने से गुजरता है और वापस लौटता है। ओ, परंतु यह जानकर तुम क्या करोगे? यह भी बता दूंगा, लेकिन तुम उसे वॉच करो, ठीक है? वो दोनों मुंह जबानी उस पहरेदार के आने जाने का समय नोट करने लगे, क्योंकि उनकी कलाई घड़ी जो कि वॉच ट्रांसमीटर का भी काम देती थी, पहले ही तलाशी के दौरान कलाई से निकाल दी गई थी। कुछ समय बाद उसे यहां से गुजरने में ठीक 1 मिनट लगता है और वापस लौटकर गुजरने में 1 मिनट 10 सेकंड। गुड, यही मेरा भी अनुमान है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मुझे भी तो बताओ। मैं यहां से निकलने की योजना बना रहा हूं। वह तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन यह वह योजना भी तो बताओ। उत्तर में राम कुछ कहने जा रहा था कि दो सैनिक खाना लेकर आते दिखाई दिए। सत्यानाश, इन मर्दूतों को भी अभी आना था। कोई बात नहीं, भोजन करने के बाद अपनी योजना पर अमल करेंगे। कोठरी का द्वार खोलकर राम रहीम को खाना दिया गया और दोनों खाने पर ऐसे टूट पड़े मानो महीने से भूखे हों। जब वे भोजन कर चुके तो सैनिक बर्तन आदि उठाकर चले गए, लेकिन इसी के साथ राम की सारी योजना गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोनों पहरेदारों की ड्यूटी बदल गई थी। मास्टर का कहना कि ये दोनों काफी खतरनाक छोकरे हैं, अतः सावधान रहना। ये लो इनकी कोठरी की चाबी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। और राम रहीम फिर नए सिरे से कुछ सोचने पर विवश हो गए। इधर दूसरे दिन सुबह के लगभग 11 बजे प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला से ठीक 20 किलोमीटर दूर आकाश में एक हेलीकॉप्टर प्रकट हुआ और अपनी यथाशक्ति से प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। वह ब्लैक ड्रैगन की एक रेड फोर्स का विशेष हेलीकॉप्टर था। लगभग 15 मिनट बाद वह ठीक प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला के ऊपर मंडराने लगा। उसे देखकर सुरक्षा गार्ड चौंके। कैप्टन नायक, उस हेलीकॉप्टर की गतिविधियां रहस्यमय जान पड़ रही हैं। अपने डिफेंस एयरफोर्स से संपर्क स्थापित करो और उन्हें निर्देश दो कि वह हेलीकॉप्टर चालक से प्रयोगशाला के चारों ओर स्थापित निषेध क्षेत्र में आने का मतलब पूछे। अगले पल कैप्टन नायक पास ही के एक कैबिन में प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर सेट द्वारा आकाश में कई मंडराते अपने डिफेंस एयरफोर्स से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो डिफेंस एयरफोर्स, कैप्टन नायक कॉलिंग फ्रॉम PSF। हेलो हेलो। शीघ्र ही एक लड़ाकू विमान से उसका संपर्क जुड़ा। यस, डिफेंस फोर्स के निवी विमान SH-6, मैं कैप्टन भटनागर बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है नायक?
प्रयोगशाला के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर की गतिविधियां कुछ संदिग्ध मालूम पड़ती है, कृपया उसे चेक कीजिए। ओके कैप्टन। अगले पल लड़ाकू विमान चालक ने हेलीकॉप्टर के चालक से संपर्क जोड़ा। हेलो पायलट, मैं कैप्टन भटनागर बोल रहा हूँ। तुम अपना हेलीकॉप्टर निचले क्षेत्र में क्यों लाए और प्रयोगशाला के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे हो? सॉरी कैप्टन, मैं आने से पहले आपको सूचित करना चाह भूल गया। दरअसल हमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयोगशाला के आसपास कीटनाशक दवा छिड़कने के लिए भेजा गया है। आप चाहे तो हमारे विभाग से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और ठीक है, लेकिन आप जल्दी से अपना काम पूरा करके लौट जाइए। ओके थैंक यू। लड़ाकू विमान के चालक कैप्टन भटनागर ने वायरलेस द्वारा हेलीकॉप्टर के उद्देश्य की खबर नीचे सुरक्षा गार्ड के असिस्टेंट इंचार्ज कैप्टन नायक को दी और वापस लौट गया, जबकि हेलीकॉप्टर चालक और उसके साथी ने निश्चिंता की सांस ली। बड़ी आसानी से बला टल गई। आंखों की जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं होगी। खैर, अब समय नष्ट मत करो और हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर ले जाकर अपना काम शुरू करो। अभी लो दोस्त। और शीघ्र ही हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरता हुआ प्रयोगशाला के इर्द गिर्द कोई गैस छोड़ने लगा। वो पता नहीं कैसी कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं, काफी विचित्र गंध है। मेरा तो सिर चकरा रहा है सर। कहने के साथ ही कैप्टन नायक चकराकर धरती पर गिर पड़ा। ओह, यह तो बेहोश हो गया। तभी कर्नल पर भी बेहोशी सी छाने लगी। ओ धोखा, हेलीकॉप्टर से बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जा रही है। किसी तरह अपने होशोहवास काबू में रखता हुआ कर्नल केबिन की ओर दौड़ा। खतरे का अलार्म बजा दूं, साथ ही हेडक्वार्टर को भी सूचित करना होगा। केबिन में पहुंचकर सबसे पहले कर्नल ने खतरे का अलार्म बजाया। टन टन टन, कू कू। होशियार, कोई खतरा प्रयोगशाला पर मंडरा? लेकिन खतरे का अलार्म सैनिकों को बेहोश होने से न रोक सका। प्रयोगशाला के चार और तैनात सैनिक एक एक करके बेहोश होते चले गए, जबकि कर्नल भूषण किसी तरह अब भी अपने होशोहवास संभाले ट्रांसमीटर सेट पर हेडक्वार्टर को सूचित कर रहा था। मेरे होशोहवास जवाब देते जा रहे हैं, पता नहीं सुरक्षा गार्ड इस समय किस स्थिति में है। आप तुरंत कार्यवाही कीजिए। वह हेलीकॉप्टर। हेलो हेलो कर्नल, क्या हुआ? बोलिए बोलिए। लेकिन कर्नल और कुछ नहीं बोल सका, वह बेहोश होकर लुढ़क चुका था। हेलो हेलो कर्नल। हेडक्वार्टर में संपर्क चालू है, लेकिन लेकिन कर्नल की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। शायद वे भी बेहोश हो गए होंगे। हमें तुरंत इसकी खबर सिक्योरिटी कमांडर को करनी चाहिए। इधर सभी सुरक्षा सैनिकों के बेहोश होकर लुढ़कते ही हेलीकॉप्टर प्रयोगशाला के प्रांगण में उतर चुका था। हमें 10 मिनट के भीतर भीतर प्रोफेसर के रीडिंग रूम से फार्मूले के कागजात उड़ाकर निकल भागना है, वरना सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। चिंता मत करो, यह काम हम 7 मिनट में ही पूरा कर लेंगे। इमारत के भीतर पहुंचकर इमारत के भीतरी नक्शे के मुताबिक प्रोफेसर का रीडिंग रूम उस तरफ होना चाहिए, तो जल्दी चलो, इस समय हमारा एक एक क्षण कीमती है। शीघ्र ही प्रोफेसर शर्मा के रीडिंग रूम में पहुंचने में सफल हो गए। इस अलमारी के पीछे ही वह गुप्त सेफ होनी चाहिए जिसमें फार्मूला रखा है। उस फूलदान को घुमाओ। दूसरे व्यक्ति ने जैसे उस फूलदान को एक तरफ घुमाया, किताबों से भरी अलमारी दूसरी ओर घूम गई और बड़े और वांदीवार में बनी एक बड़ी सी सेफ दिखाई देने लगी। यही है वह सेफ, जल्दी से मास्टर की निकालो, अभी लो। फिर मास्टर की द्वारा सेफ खोलने में भी उन्हें कुछ क्षणों से अधिक समय नहीं लगा। इसमें तो बहुत सी फाइल और दस्तावेज रखे हैं, अभी यह कैसे पता चलेगा कि इनमें फार्मूले के कागजात कौन से हैं? सारे कागजात और फाइलों को बैग में भर लो, मास्टर सम प्रोफेसर से जरूरी कागजात निकलवा लेंगे। दूसरे व्यक्ति ने झटपट सारे दस्तावेजों को और फाइलों को एक बड़े से थैले में भरना आरंभ कर दिया। सेफ को पूरी तरह साफ करने के पश्चात दोनों पुनः बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इस सारे काम में उन्हें मुश्किल से 6 मिनट लगे थे। शुक्र अभी तक कोई खतरा पेश नहीं आया। शायद अगले कुछ ही क्षणों में वे हेलीकॉप्टर के भीतर थे। अब जल्दी से हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके ऊपर उठाओ और डायमंड हार्बर की ओर चलो। सुरक्षा गार्ड के होश में आने में केवल 3 मिनट शेष रह गए हैं। चिंता मत करो, अब सुरक्षा गार्ड से हमारा क्लू भी नहीं पा सकेंगे। और अगले क्षण, लेकिन तभी
ओ आखिर खतरा पीछे लग ही गया। तुम फौरन हेलीकॉप्टर को पूरी गति देकर समुद्र की ओर उड़ाओ, लेकिन लड़ाकू विमानों की गति को मात देना मुश्किल है। उफ, तुम कोशिश तो करो। हेलीकॉप्टर चालक ने लड़ाकू विमानों से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है, डोज देने के लिए धुएं का गोला दागो। उसी समय भारत के लड़ाकू विमानों से चेतावनी दी जाने लगी, सुनो सुनो हेलीकॉप्टर सवारो, तुम लोग जो कोई भी हो तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, वरना तुम्हें मार गिराया जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर की ओर से एक धमाका हुआ, धड़ाम, और इसी धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के चारों ओर तेजी से गाढ़ा धुआं फैलने लगा। अगले पल, ओह, हेलीकॉप्टर तो धुएं के बादलों में छिप गया। समझ में नहीं आता यह धुएं का बम उन्होंने क्यों छोड़ा। सभी लड़ाकू विमानों के चालक हेलीकॉप्टर को धुएं के बादलों के बीच ओझल होते देख असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर अटैक फायर, तुरंत सभी विमानों से धुएं के गुब्बार पर गोलियां और रॉकेटों की वर्षा की जाने लगी। धड़ाम धुड़ू तर तर तर, पता नहीं विमानों से की गई गोलाबारी किसे लगी, लेकिन शीघ्र जब हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द छाया धुएं का गुब्बार सटा तो सभी लड़ाकू विमानों के चालक और सहयोगी बुरी तरह बौखला उठे। अरे हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया? ओह शायद हेलीकॉप्टर में धुएं का चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो गया। जब शाम उस ऑपरेशन के इंचार्ज विंग कमांडर मिस्टर पुरी की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने अपने विमान के पायलट को आदेश दिया, मिस्टर मांटो हेडक्वार्टर को सारी स्थिति की रिपोर्ट देने के साथ साथ सभी पायलटों को निर्देश दो कि वे चारों तरफ फैलकर हेलीकॉप्टर की तलाश करें। यस सर। सभी पायलट चालक चारों तरफ फैलकर हेलीकॉप्टर की खोज करें, वह जहां कहीं भी दिखाई दे उसे तुरंत मार गिराया जाए। ओके। सभी विमानों ने चारों ओर फैलकर हेलीकॉप्टर की तलाश करनी आरंभ की, लेकिन उनमें से किसी के हाथ भी सफलता नहीं लगी। हमें हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आया सर, उस हेलीकॉप्टर का कहीं कोई पता नहीं चला सर, मजबूरी है, वापस लौटो। और सभी निराश होकर एयरपोर्ट की ओर वापस लौट पड़े। उधर हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों को चकमा देकर उड़ता हुआ हिंद महासागर के ऊपर पहुंचा। यही है वह स्थान जहां हमें रिसीव किया जाना है। डेथ शिप को कॉल करो। ओके डियर। अगले पल, हेलो हेलो डेथ शिप नंबर 30 कॉलिंग फ्रॉम रेड फोर्स ऑपरेशन, हेलो हेलो। तुरंत ही समुद्र का सीना फाड़ती हुई वह वेल नुमा पनडुब्बी पानी से बाहर निकली। हेलो ऑपरेशन रेड फोर्स, हम तुम्हें रिसीव करने के लिए तैयार है, लैंड करो। इसके साथ ही वेल नुमा पनडुब्बी का विशाल मुंह खुल गया। चलो हेलीकॉप्टर को भीतर ले चलो। ओके फ्रेंड। अगले पल हेलीकॉप्टर नीचे झुककर वेल के मुंह की ओर बढ़ा। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर समूचा का समूचा वेल के मुंह में समा गया। हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचते वेल नुमा पनडुब्बी अपना विशाल मुंह बंद किया और पानी में डुबकी लगा गई। वेल नुमा पनडुब्बी के भीतर मिशन का क्या रहा नंबर 30, लगभग कामयाबी। लगभग कामयाबी से तुम्हारा मतलब? प्रोफेसर की गुप्त सेफ में एक नहीं बहुत से कागजात और फाइलें थी, इसलिए हम सारी सेफ साफ कर लाए। मुझे विश्वास है उनमें से एक दस्तावेज जरूर फार्मूले का होगा, ईश्वर करे ऐसा हो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ कंट्रोल रूम में चलें। कुछ देर बाद वह विशाल वेलनुमा पनडुब्बी स्टेशन जीरो के साथ जा जुड़ी। हमारा काम खत्म हुआ, तुम दोनों स्टेशन में जाओ, मास्टर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 30 और उसका साथी शीशे के पाइप से होते हुए स्टेशन जीरो की ओर बढ़ चले। पाइप से निकलकर एक विशेष कमरे में पहुंचते ही, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मिशन की कामयाबी पर बधाई स्वीकार हो। थैंक यू मिस्टर जेड, क्या हम इसी समय बॉस से मिल सकते हैं? जरूर जाओ, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एजेंट जेड जब उन्हें ब्लैक ड्रैगन के पास लेकर पहुंचा तो आप प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी भी मौजूद थी। सिनूर की जय हो। लो प्रोफेसर, तुम्हारे मानव आविष्कार के दस्तावेज आ गए। शायद ब्लैक ड्रैगन को पहले से यह मालूम हो गया था कि उसकी रेड फोर्स के एजेंट वास्तविक फार्मूले के दस्तावेज की पहचान नहीं कर पाए हैं, तभी तो। थैला इस मेज पर उलट दो। यस मास्टर। नंबर 30 ने थैला मेज पर उलट दिया। प्रोफेसर,
इन कागजातों और फाइलों में से अपने आविष्कार के दस्तावेजों को उठा लो। यही है मेरे नए आविष्कार के कागजात। अब मैं अपना काम बखूबी कर सकूंगा। गुड, तुम्हारी प्रयोगशाला भी बिल्कुल तैयार कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से अपने आविष्कार पर जुट जाओ। बहुत अच्छा मान ड्रैगन। आओ बेटी, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे कार्य में मेरी सहायता करो। सुनो डैडी, आपका साथ देकर मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी लता के जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन एक भयानक अट्ठास लगा उठा। हा, एजेंट जेड, अब वह दिन दूर नहीं जब मैं विश्व सम्राट कहलाऊंगा और उस समय मैं इतना शक्तिशाली होऊंगा कि भगवान भी मेरे सामने सर झुका देगा। इंसान के जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में होंगे, केवल मेरे हाथों में। इधर प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला में जो घटना घटी उसने पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा दिया। पूरी सरकारी मशीनरी पूरी तरह बौखला उठी। मैं पूछता हूँ कि आखिर इतनी गर्द के रहते हुए भी यह सब कैसे हुआ? सर, हमारी सुरक्षा गार्ड उनकी योजना से धोखा खा गई। यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि अपराधी प्रोफेसर की प्रयोगशाला में चोरी करने के लिए यह मार्ग अपनाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो बात आप लोग नहीं सोच सके वह अपराधियों ने सोच ली। जिस बात की पहले से ही आशंका थी, जब आप लोग उसी की हिफाजत नहीं कर सके तो भला उसकी हिफाजत क्या कर सकेंगे जिसके बारे में आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तभी चीफ मुखर्जी, जो स्वयं भी उस मीटिंग में शामिल थे, कुछ सोचकर बोल उठे। सर, अपराधी जो कोई भी हो, मुझे पूरा विश्वास है उनका हाथ प्रोफेसर के अपहरण के पीछे भी है। साथ ही साथ उनका संबंध वेलनुमा विचित्र पंडुपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह बात तो अब एक बच्चा भी कह सकता है। मिस्टर मुखर्जी, आपने क्या नई बात कह दी? यह बात नहीं है सर, दरअसल मैं आपको कुछ और ही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, मैं पहेली बुझाना नहीं चाहता। सर, यदि हम किसी तरह अपराधियों की उस वेलनुमा पनडुब्बी को नष्ट करने में सफल हो जाएं, तो अपराधी को एक करारी चोट पहुंच सकती है और वह बौखला कर अपने बिल से बाहर निकल सकता है। आप कैसी बच्चों जैसी बातें करें मिस्टर मुखर्जी। अवल तो उस चीज को खोज निकालना ही काफी मुश्किल काम है, और यदि उसे खोज भी लिया जाए तो उसे नष्ट करना कैसे सहज होगा? अब तक की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार वह पनडुब्बी एक किसी ऐसी धातु की बनी हुई है, उस पर किसी भी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता। वह शायद पानी से बाहर निकलने पर अपने आप को ऐसी किरणों के जाल में सुरक्षित कर लेती है जो बाह्य रूप से किसी भी वस्तु को अपने से टकराने नहीं देती। यह भी उस सिर फिरे हुए अपराधी वैज्ञानिक का एक चमत्कार है। मैंने उस पनडुब्बी को सामने लाने और उसे नष्ट करने का एक उपाय भी सोचा सर। क्या है वह उपाय? तब चीफ मुखर्जी उन्हें विस्तार पूर्वक अपनी योजना समझाने लगे। जब वे चुप हुए। आपकी योजना तो वाकई में बहुत अच्छी है मिस्टर मुखर्जी, लेकिन यदि चोट से क्रोधित होकर उसने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो मुझे विश्वास है सर वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे अपराधी जो विश्व पर राज्य करने का सपना देखते हैं मानसिक रूप से बहुत विकसित रहते हैं और हमेशा अपनी शक्ति के घमंड में चूर रहते हैं। तभी तो उसने हमें एक माह का समय दिया है। मुझे विश्वास है सर कि इसी घमंड में वह इस चोट की परवाह न कर पूरे एक माह तक हमारे देश द्वारा घुटने टेक देने की प्रतीक्षा करेगा। गृह मंत्री ने कुछ देर सोचा फिर बोले, हालांकि इस योजना में काफी खतरा है, फिर भी हम आपकी योजना को मंजूर करते हैं। आप जाइए और अपनी योजना पर कार्य आरंभ कीजिए। आप जिस फोर्स से जैसी मदद चाहेंगे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर। फिर सभी ऑफिसर्स को आवश्यक निर्देश और आदेश देने के बाद गृह मंत्री ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। अगले दिन सुबह देश भर के तमाम समाचार पत्रों में एक खबर मुख्य सुर्खियों में छपी थी, अमेरिका द्वारा भारत को यूरेनियम की पहली खेप रवाना। अमेरिका से यूरेनियम से भरा एक जहाज रवाना। लगभग संध्या के समय यह समाचार ब्लैक ड्रैगन के विशेष एजेंट डॉन ने भी पढ़ा। यूरेनियम से लदा हुआ जहाज कल सुबह भारत पहुंचने वाला है। बॉस के लिए यह सूचना बहुत ही अहम होगी। कम वक्त भी यह अखबार पढ़ने का समय भी अब मिला। खैर, बॉस को इसी वक्त खबर करनी चाहिए। अगले पर डॉन एक गुप्त स्थान से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकालकर अपने बॉस से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। हेलो स्टेशन जीरो, डॉन कॉलिंग। हेलो हेलो स्टेशन जीरो,
सिगरी स्टेशन जीरो से संपर्क जुड़ा। यस मिस्टर डॉन, मैं स्टेशन जीरो से एजेंट जेड बोल रहा हूँ, कृपया अपना मैसेज दीजिए। मेरे पास बॉस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और मैं चाहता हूँ यह सूचना मैं उन्हें अपने मुख से दूँ। ठीक है, तुम ठीक 11 बजे डायमंड हार्बर पहुँच जाओ। मैं मास्टर को भी सूचित किए देता हूँ, डेथ से तुम्हें रिसीव कर लेगा। डॉन ने ट्रांसमीटर सेट ऑफ करके यथास्थान रखा और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। मुझे जल्द से जल्द डायमंड हार्बर पहुंचना होगा वरना डेथ शिप हाथ से निकल जाएगा। और जब डॉन अपने निवास स्थान से कार में सवार होकर डायमंड हार्बर की ओर रवाना हुआ, तब तक सांझ ढल चुकी थी। रात्रि के लगभग 11:30 बजे डायमंड हार्बर पर पहुंचकर डॉन ने एक स्टीमर किराए पर लिया और उसे स्टार्ट कर बीच समुन्द्र की ओर रवाना हो गया। काफी आगे बढ़ने पर सहसा समुद्र का सीना फाड़ कर जैसे दो सूर्य उदय हुए। शुक्र, डेथ शिप मुझे लेने आ पहुंचा है। और डॉन द्वारा संकेत देते ही वेल नुमा पनडुब्बी ने अपना विशाल मुंह खोलकर डॉन को स्टीमर समेत अपने भीतर ले लिया। लगभग 1 घंटे बाद डॉन अपने मास्टर ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा था। मान सम्राट की जय हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डॉन की ऐसी क्या विशेष बात है जो तुम मुझे अपने मुंह से ही बताना चाहते थे। इस अखबार की मुख्य हेडिंग पढ़िए मास्टर, फिर आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। हा, यूरेनियम से लदा एक जहाज कल भारत पहुंच रहा है। यह यूरेनियम हमारे बहुत काम आ सकता है। एजेंट जेड, तुम फौरन डेथ शिप को निर्देश दो कि वह उस जहाज को हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही उड़ा ले जो आगे महामहिम। एजेंट जेड के जाने के बाद हम तुम्हारी दूर दूरदर्शिता से बहुत प्रसन्न हुए डॉन। जल्दी हम तुम्हें इस काम का एक तगड़ा इनाम देंगे। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस। लेकिन डॉन पलटने के साथ ही अचानक लड़खड़ाया। ओह क्या हुआ? ओह, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा बॉस। और ठहरो, मैं तुम्हें अभी डिस्पेंसरी भेजने का प्रबंध करता हूँ। ब्लैक ड्रैगन ने एक गार्ड को बुलाया। तुम मुझे तुरंत डिस्पेंसरी ले जाओ और डॉक्टर वर्मा से इसका चेकअप कराओ। हरी अप, बहुत अच्छा मामिन। गार्ड डॉन को सारा देकर कमरे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद ड्रैगन भी वहां नहीं रुका और प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला में जा पहुंचा, जहाँ प्रोफेसर शर्मा दिन रात अपने आविष्कार को पूरा करने में जुटे हुए थे। कहाँ तक पहुंचे प्रोफेसर? मुझे विश्वास है मामाइम कि मेरा यही यंत्र और किरणें 4-5 रोज में पूरी तरह तैयार हो जाएंगी। गुड, मैं चलता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें भी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरे लिए आराम हराम है महामहिम। तुम्हारा इरादा निश्चय काबिले तारीफ है प्रोफेसर। मैं तुम्हें इसका समय आने पर उचित पुरस्कार दूंगा। ओके, गुड नाइट। जिस समय ब्लैक ड्रैगन प्रोफेसर से विदा लेकर अपने समकक्ष की ओर बढ़ा, उस समय रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। उसी रात खर आज एक ही पहरेदार है राम भैया, और वह भी खर्राटे भर रहा है। यदि इस मौके का भी फायदा न उठा सके तो जिंदगी भर इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस मौके का हम जरूर फायदा उठाएंगे रेन, बस अब तुम देखते जाओ। कहने के साथ ही राम झटपट अपने जूते उतारने लगा। यह तुम क्या कर रहे हो? खामोश रहो, कहीं पहरेदार जाग गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जूते निकालने के बाद राम ने उसे तले खोल डाले। तले में एक शक्तिशाली चुंबक और एक लोहे की छोटी सी रोड रखी थी। दोनों चीजों को निकालने के पश्चात राम ने रोड के एक सिरे को जो खींचा तो वह एरियल की तरह खींचता चला गया। ओह, अब समझा वास्तव में राम भैया के दिमाग का भी जवाब नहीं। पहरेदार की कमर से चाबी निकालने का यह उपाय तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। चुंबक को उस लंबे रोड से चिपकाने के पश्चात राम ने वह सिरा पहरेदार की कमर की ओर बढ़ा दिया, जहां उनकी कोठरी की चाबी लटक रही थी। खर खर सिगरी चप, वो मारा, बन गया काम। चुंबक के सारे चाबी राम के हाथों में आ गई। तुम बाहर निकलते सबसे पहले पहरेदार की गन अपने काबू में करना, ठीक है? और जैसे ही राम ने ताला खोला, रहीम बाहर निकलकर पहरेदार पर टूट टूट पड़ा। कड़ाक, आह, वार भरपूर था। सैनिक की गर्दन टूट कर एक और ढुलक गई और रहीम ने उसी गन को अपने कब्जे में कर लिया। राम भैया, यहां तक तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब
अरे मूर्ख, काने की कम से कम बोलो, मेरे पीछे पीछे चले आओ। लेकिन जैसे वे कैद खान के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें ठिठक जाना पड़ा। बिना इन्हें खत्म किए बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन इन्हें खत्म कैसे करोगे? इनकी संख्या 4-5 मालूम पड़ती है। खाली हाथ से निपटा नहीं जा सकता, और गोली चलाना मूर्खता होगी। अब यह मूर्खता करनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लाओ गन मुझे दो, एक बार फिर सोच लो राम भैया। फायरिंग की आवाज से सब चौकन्ने हो जाएंगे, फिर हमारी मौत किसी चूहे जैसी होगी। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल इस नरक से निकलना जरूरी है। तुम सावधान रहो, हमें एक गन और प्राप्त करनी है, साथ ही गोला बारूद भी। अगले पल दाएं दाएं दाएं, उफ आ हाय! पलक झपकते उन सब सैनिकों की लाशें जमीन पर पड़ी दिखाई देने लगी। भागो! आनन फानन में राम और हिम ने मर्द सैनिकों के पास जितना गोला बारूद था वह सब और एक गन अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े। ध्यान रखना रहीम, अपनी जान बचाने का अब एक ही उपाय है, वह जान लेने वाले की उससे पहले जान ले लेना। जानता हूं राम भैया, और तुम भी जानते हो कि इस काम में मैं कितना माहिर हूं। उधर हिंद महासागर में रात्रि के चौथे पहर यूरेनियम से भरा एक विशाल जहाज S-50 अपनी मंथर गति से सने सने भारतीय बंदरगाह के निकट होता जा रहा था। लेकिन उस जहाज पर सवारी यात्री शायद ही इस बात को जानते होंगे कि एक भयानक वेल की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। वह रहा, जहाज का क्लोजअप लो और उसका नंबर देखो। बिना पुष्टि के उस पर आक्रमण करना मूर्खता होगी। ठीक कहते हो। स्क्रीन के सामने बैठे व्यक्ति द्वारा एक बटन दबाते जहाज क्लोजअप में आ गया। गुड, वह S-50 ही है। पनडुब्बी को ऊपर उठाने की तैयारी करो। ओके। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल वेल समुद्र का सीना चीर कर बाहर निकल आई। आश्चर्य, जहाज पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल शांति छाई हुई है। शायद सब सो रहे होंगे, मौका अच्छा है, हमें तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट करो। और शिगरी, वेल नुमा पनडुब्बी ने समूचे जहाज को निगल लिया। लेकिन जब वेल नुमा पनडुब्बी के गार्ड अपहरण जहाज की तलाशी लेने जहाज के भीतर पहुंचे, एंड सब खबरदार, यदि किसी ने अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश की तो भून कर रख दिया जाएगा। ओ सैनिक, यानी हमें जाल में फंसने के लिए यह चाल चली गई। कर्नल शेर सिंह, आप सैनिकों के साथ पूरी पनडुब्बी को अपने कब्जे में ले लीजिए और एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। यस सर। जब कर्नल कुछ सैनिकों के साथ जहाज से बाहर निकल गया, जनरल मेरे विचार से अब हमें देर न करके इनके कंट्रोल रूम में पहुंचना चाहिए, ताकि योजना अनुसार आगे की कार्यवाही पूरी की जा सके। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुखर्जी। कैप्टन राघव, आप इनमें से एक को छोड़कर बाकी सबको बांध दीजिए। हरियप। यस सर। कैप्टन राघव और कुछ सैनिकों ने मिलकर आनन फानन में नंबर 41 को छोड़कर अन्य सभी को रस्सियों से जकड़ दिया। मिस्टर, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें चुपचाप अपने कंट्रोल रूम में ले चलो, जहां से तुम अपने मुख्य स्टेशन से संपर्क करते हो। बचने का कोई चारा न देख इंस्पेक्टर बचने का कोई चारा न देख एजेंट 41 चुपचाप उन्हें लेकर कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़ा। उफ, सपने में भी मुझे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। इधर कर्नल शेर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने सिगरी ब्लैक ड्रैगन के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर पूरी पनडुब्बी पर अपना कब्जा कर लिया। शाबाश, इन सब की भी मुश्किल कस दो। और जब एजेंट 41 चीफ मुखर्जी जनरल और बाकी सैनिकों को लेकर कंट्रोल रूम में पहुंचा, तब तक वहां भी सैनिक अपना कब्जा कर चुके थे। चलो अपने स्टेशन को सूचना भेजो कि तुम लोगों ने यूरेनियम से लदे जहाज का सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया है और अब स्टेशन की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तड़ाक आ लेकिन वैगन कुछ नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। और 41 भयभीत तो वैसा ही करने पर मजबूर हो गया। हेलो हेलो, स्टेशन 0, नंबर 41 कॉलिंग। हेलो। शीघ्र संपर्क जुड़ा और सामने लगी टीवी स्क्रीन पर एक व्यक्ति की आकृति उभरी। यस एजेंट 41, रिपोर्ट, हमने यूरेनियम से भरे जहाज S-50 का अपहरण कर लिया है और इस समय स्टेशन की ओर ही बढ़ रहे हैं। गुड, तुम्हें द्वार खुला खुला मिलेगा। मैं यह खुशखबरी महामहिम को भी दे देता हूँ।
इसी के साथ संबंध विच्छेद हो गया और स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। शाबाश, अब तुम अपनी पनडुब्बी को अपने स्टेशन जीरो की ओर ले चलो। इसमें बहुत खतरा है। यदि ब्लैक ड्रैगन को इस बात की जरा भी भनक पड़ गई कि यूरेनियम की जगह जहाज में सैनिक है, तो वह मार्ग में ही पनडुब्बी को उड़ा देगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मिस्टर, बस वैसा ही करो जैसा हम कह रहे हैं। बाकी ये खतरे से हम सब निपट लेंगे। और नंबर 41 मजबूर हो गया, उनकी आज्ञा का पालन करने में जुट गया। कुछ ही क्षणों पश्चात बेलनुमा पनडुब्बी तीव्र गति से स्टेशन की ओर बढ़ी चली जा रही थी। इधर स्टेशन जीरो में फायरिंग की आवाज गूंजते ही अफरा तफरी मच गई और तुरंत ही खतरे का सायरन भी बज गया। टन टन पी पी पी, फायरिंग की आवाज कैदियों की तरफ से आई है, उसी तरफ चलो। तभी दीवारों पर फिट स्पीकरों से घोषणा की जाने लगी, सावधान सावधान। कैदखाने से राम रहीम नाम के दो जासूस छोकरे निकल भागे हैं। वे जहां दिखाई दे उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। वह घोषणा राम रहीम के कानों में भी पड़ी, सावधान, दो जासूस छोकरे कैदखाने से भाग निकले हैं। ओह, उन्हें हमारे फरार होने के संबंध में मालूम हो चुका है। उन्हें देखते ही देखा जाएगा, पहले इन स्पीकरों का खात्मा करूं। धोए धोए, इस तरह दोनों न केवल दीवारों पर लगे स्पीकरों को नष्ट करते हुए आगे बढ़े, बल्कि जो भी दुश्मन सामने आता उसे भी वे अपनी गोलियों का शिकार बना देते। सावधान सावधान, धोए धोए, ओह हाय। रहीम, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कब्जे में करना है जो ब्लैक ड्रैगन तक हमें पहुंचा सके। काम मुश्किल है राम भैया, फिर भी कोशिश करेंगे। उस समय ब्लैक ड्रैगन गहरी नींद सोया हुआ था जब एजेंट जेट ने उसे जगाकर सारी घटना की सूचना दी। यह तुम क्या बक रहे हो, कैद खाने से वे कैसे निकल भागे? इस विषय में तो वहां तैनात पहरेदारी बता सकता था, लेकिन उन छोकरों ने न केवल उसे ही मार डाला है बल्कि अब तक बहुत विनाश भी मचा चुके हैं। वो आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सुनो जेड, मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों प्रोफेसर शर्मा या मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा करो, प्रोफेसर शर्मा और उसकी लड़की को यहाँ ले आओ और इस कमरे के चारों तरफ मजबूत पहरा बिठा दो। जाओ जल्दी करो, जो आज्ञा मामई। इधर राम रहीम की कोख खोज रहे सैनिकों के एक दस्ते की दृष्टि राम रहीम पर पड़ी। वे रहे फायर, सैनिकों ने तुरंत उन पर फायरिंग की। तट तट तट, धोए धोए, लेकिन राम रहीम किसी छलावी की तरह हवा में उछाल बढ़ते हुए एक सुरक्षित स्थान पर सकुशल पहुंचने में सफल हो गए। रहीम, उनकी तादाद काफी है, तब गोलियों से काम नहीं चलेगा, हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करो। ओके बिग ब्रदर। अगले पल रहीम ने एक साथ दो हैंड ग्रेनेड्स के सेफ्टी पिन निकालकर उन्हें सैनिकों पर उछाल दिया। ओ दस्ती बम, भागो बचो। लेकिन न कोई सैनिक भाग पाया और न बच सका। धड़ोम धड़ोम। इधर एजेंट जेड प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी को लेकर ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंचा। महामहिम, इतनी रात गए आपने हमें क्यों बुलाया? दो जासूस छोकरे हमारी कैद से आजाद हो गए हैं प्रोफेसर, और वे हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वे तुम्हें भी मारने का प्रयत्न करें, इसलिए एहतियात के तौर पर तुम्हें यहाँ बुला लिया है। एजेंट जेड, क्या तुमने बाहर सख्त पहरा बिठा दिया है? अभी नहीं मामहिम, क्योंकि सारे सैनिकों ने दोनों शैतानों की खोज में लगे हैं। अरे मूर्ख, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी इस कमरे के चारों तरफ बिठा दो बिठा दो। वे शैतान छोकरे किसी भी हालत में इस कमरे तक नहीं पहुंचने चाहिए। जी, एजेंट जेड बौखलाकर झटपट कमरे से बाहर निकला और जल्दी से एक तरफ बढ़ा। तभी राम रहीम की दृष्टि उस पर पड़ी। राम भैया को न क्यों ना उसको कब्जे में लेकर ब्लैक ड्रैगन के विषय में मालूम किया जाए। कोई बुरा नहीं, उसे निकट आने दो। और जैसे ही एजेंट जेड उनके निकट से गुजरा, अगड़प, बेचारे एजेंट जेड को अपने बचाव का जरा भी मौका नहीं मिला। यदि जान पैरी है तो बताओ तुम्हारा बॉस ब्लैक ड्रैगन कहाँ है? मौत को सामने देख एजेंट जेड बुरी तरह भयभीत हो उठा। उस कमरे में गुड गुड। फिर इससे पहले कि एजेंट जेड कुछ समझ पाता, राम का हाथ बिजली किसी गति के साथ हवा में घूमकर उसी कनपट्टी पर पड़ा। ओह, अगले पल जेड जमीन पर बेहोश पड़ा था। आओ रहीम, बेचारे ब्लैक ड्रैगन को इस बात की सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि
ये मौत के दूत राम रहीम इतनी 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 जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे, तो तुम अपने हाथों पर उठा लो ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मौत को कहीं भी पहुंचने के लिए किसी इजाजत नहीं लेनी पड़ती ब्लैक ड्रैगन, और न ही कोई उसका मार्ग ही रोक सकता है। प्रोफेसर, आप इस रस्सी द्वारा इसके दोनों हाथ बांध दीजिए, नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए प्रोफेसर, वरना हमें मजबूरन आपके साथ भी दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। मजबूरन प्रोफेसर को ब्लैक ड्रैगन की मुश्किल कसनी पड़ी। अब ठीक है, अब तुम हमारे आगे आगे चलोगे ब्लैक ड्रैगन, और हमें अपने इस अड्डे से बाहर निकालने में हमारी मदद करोगे। चलो, और आप दोनों भी हमारे साथ चलिए प्रोफेसर। लेकिन तभी डॉन कमरे के द्वार पर प्रकट हुआ। ठहरो चोपरो, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। यदि अपनी जिंदगी चाहते हो तो अब अपनी अपनी गन जमीन पर फेंक दो। ओ डॉन, आह डॉन, तुम्हें भी खुश होने की जरूरत नहीं ब्लैक ड्रैगन, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी डॉन नहीं बल्कि अमेरिका सरकार का एक एजेंट 333 और टोरा हूँ। कहने के साथ ही डॉन ने अपने चेहरे से डॉन का मास्क हटा दिया। हा, क्यों ब्लैक ड्रैगन और शंभू दयाल, क्या मुझे पहचाना नहीं? और तुम क्या डॉक्टर शंभू दयाल, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? ठहरो, पहले तुम्हारे चेहरे से नकाब उलट दूं, फिर सारा किस्सा बताऊंगा। और उसने ब्लैक ड्रैगन के चेहरे से नकाब हटा दी। अब वास्तव में उसके सामने डॉक्टर शंभू दयाल खड़ा था। अब बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और डॉन कहाँ है? डॉन तो कभी का मेरे हाथों मरकर समुद्री मछलियों का भोजन बन चुका है। तुम खुश हो रहे थे कि हमारे देश को मूर्ख बनाने के साथ साथ पूरे विश्व पर कब्जा कर लोगे, लेकिन अफसोस कि तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सके। हमारे देश को पहले ही तुम पर शक हो गया था कि तुम केवल दिखावे के लिए काम कर रहे हो, जबकि वास्तविकता यह थी कि तुम हमारी सरकार से मिला पैसा अपने से अड्डे के निर्माण में खर्च कर रहे थे। और जब हमारी सीक्रेट सर्विस को इस बात की गुप्त सूचना मिली कि तुम भारत जा रहे हो और तुम्हारी नियत प्रोफेसर शर्मा को उड़ाने की है, तो हमारे विभाग के चीफ ने एक जबरदस्त योजना बनाई जिसके तहत मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भारत आ पहुंचा। भारत पहुंचकर जब मुझे तुम्हारी योजना का पता चला तो मैं भी उस जहाज में सवार हो गया जिसमें तुमने प्रोफेसर को यात्रा करने के लिए कहा था। तब मेरी दृष्टि में तुम्हारे साथी ड्रोन के साथ साथ राम और रेम भी आए। मैंने तुम पर पहुंचने की एक योजना बना डाली। किसी तरह ड्रोन को अपने कब्जे में करना होगा। फिर मौका देखकर मैंने ड्रोन को खत्म कर दिया। ओह, और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। फिर मैं ड्रोन के चेहरे का मास्क चढ़ाकर ड्रोन बन बैठा। अब ठीक है, ब्लैक ड्रैगन उर्फ शंभू तक पहुंचने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद जहाज का तुम्हारे डेथ शिप यानी वेलनुमा पनडुब्बी ने अपहरण किया, लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुम्हारे अड्डे पर जाने का मौका नहीं मिला और तुम्हारे आदेश के मुताबिक मुझे वापस शहर लौटना पड़ा। लेकिन डॉन को मारने से पहले उससे उसके निवास स्थान आदि के बारे में मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए मुझे उसके निवास स्थान पर पहुंचकर वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं आई। और मैं उस दिन से ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब मैं तुम्हारे अड्डे में पहुंच सकूं, और संयोग से वह दिन जल्दी आ गया और मैं यूरेनियम के जहाज की सूचना देने स्वयं से यहाँ आ पहुंचा। अब बाकी का किस्सा तो तुम जानते ही हो। हा, तुम वास्तव में बहुत चालाक हो एजेंट टोरा, और मुझे तुम जैसे आदमी पसंद है। सुनो, यदि तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी तरह देश का गद्दार नहीं बन सकता डॉक्टर, और किसी भी कीमत पर नहीं। चीफ का आदेश है कि मैं तुम्हें और प्रोफेसर शर्मा को अपने देश के वाले करूं, अतः मैं वही करूंगा। उसके बाद न केवल तुम्हारे यह अनोखा स्टेशन हमारे देश के काम आएगा, बल्कि तुम दोनों के आविष्कार भी हमारे देश के लिए मानव उपलब्धियां होंगी। नहीं, तुम मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, कहकर डॉक्टर शंभू भयानक अंदाज में टोरा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ डॉक्टर, वरना मैं गोली चला दूंगा। कुत्ते, तब तू भी नहीं बचेगा। यह राम रेम के लिए सुनहरा मौका था। रेम, तुम डॉक्टर को संभालो, मैं इस जासूस के बच्चे को देखता हूं। उफ, रेम ने भी डॉक्टर को दबोचने में देर नहीं लगाई। वैसे भी हाथ बंधे होने के कारण डॉक्टर शंभू लाचार था, लेकिन ठीक उसी समय बाहर से भीषण
विस्फोटों की आवाजें आने लगी, धूम धड़ाम तट तट तट। दरअसल उस समय तक चीफ मुखर्जी और जनरल के नेतृत्व में भारतीय सेना स्टेशन जीरो में प्रवेश कर चुकी थी और ब्लैक ड्रैगन को एक कैश सैनिकों से टक्कर ले रही थी। ड्रैगन के आदमी ज्यादा देर तक भारतीय फौज के सामने टिक न सके और उन्होंने हथियार डाल दिए, इन्हें गिरफ्तार कर लो। उसके बाद चीफ मुखर्जी, जनरल भंडारी और कुछ सैनिक स्टेशन जीरो के एक एक कमरे को छानते हुए जब ब्लैक ड्रैगन के शयन कक्ष में पहुंचे, तब तक राम रहीम टोरा और डॉक्टर शंभू दयाल को बेहोश करने के बाद हाथ झाड़ रहे थे। राम बेटे, आह अंकल, आप भी खूब मौके पर आए अंकल, लीजिए संभालिए अपने अपराधियों को। वो डॉक्टर शंभू दयाल और जमेरिका का एजेंट 333 और टोरा, जी हाँ यही दोनों ही सारे जंजाल की जड़। टोरा और डॉक्टर शंभू को गिरफ्तार कर लिया गया और स्टेशन जीरो में कैद मजदूरों के रूप में सारे कैदियों को आजाद करा लिया गया जो न जाने कब से वहां काम कर रहे थे। उसके बाद राजधानी पहुंचकर सबसे पहले उन लोगों को उनके होशोहवास में लाया गया जिन्हें डॉक्टर शंभू ने एक विशेष इंजेक्शन लगाकर उनके मस्तिष्क को अपना गुलाम बना लिया था। इनमें प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी भी थे। और अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की बुरी बुरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ये इसी के साथ ही ये जो राम रहीम की बाल एजेंट सीरीज थी वो भी समाप्त होती है। और इससे आगे मैं राम रहीम की जो भी कॉमिक्स पढ़ूंगा वे सारी एडल्ट राम रहीम की होगी, मतलब जो बड़े हो जाते हैं तो उन राम रहीम की कॉमिक्स होगी। तो बाल एजेंट राम रहीम की सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ ली है। अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में बाल एजेंट राम रहीम का फोल्डर है, उसमें इनकी सारी सीरीज की सारी कॉमिक्स हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।